बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने आप सभी को अपनी दुआओं में याद रखा। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों को आसान करे, मुश्किलात ख़त्म करे। आप लोग की ज़िंदगी में जितने भी मसले मसाइल है, अल्लाह पाक उन्हें हल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जो है ना, मेरा भाई आ गया था और भाई कह रहा था कि मेरे लिए जो है ना, आप लोग आलू वाले पकोड़े बना लो, जैसे आप लोग रमज़ानों में बनाते हो, बहुत ही दिल चाह रहा है। तो यहाँ मैंने 4 अदद आलू लिए, छिलका उतारा और कटर से गोलाई शेप में इसे कट कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई। कश्मीरी लाल मिर्च का कलर ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। अब इसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चुटकी सोडा डालूंगी, बेसन डालूंगी 3 चम्मच भर के। पहले 2 चम्मच बेसन डाल के इसे थोड़ा मिक्स करूंगी। अब 1 चम्मच भर के बेसन और डाल के इसे हाथों से मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और इसे हाथों की मदद से मिक्स करना है। तो आलू और बेसन मिक्स होके यकजान हो गए। बेसन में ज़्यादा पानी नहीं डालना, तो बस 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। मैंने तेल को गरम कर लिया है और इसमें आलू डाल देती हूँ। तेल को मैंने गरम किया है, लेकिन जब मैं आलू डालने लगी तो इसकी आंच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। तेज़ आंच में आलू नहीं डालने, वरना आलू जल जाएंगे या इतने पक जाएंगे ऊपर से कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए तेल को गरम करके आँच को हमने कर देना है स्लो। स्लो आँच पर हम पकाएँगे चिप्स, ताकि अंदर से भी पक जाए और ऊपर से भी क्रिस्पी हों। और जब ये कलर चेंज करने लगे तो इसको हम पलटा के अगली साइड से पका लेंगे। बस इतने ही पकाने, बाद में इनका कलर खुद ब खुद डार्क हो जाएगा। तो ये पक चुके हैं, इसे मैं निकाल देती हूँ। इसी तरह करके मैं सारे चिप्स फ्राई कर लेती हूँ। तो सारे के सारे आलू वाले पकौड़ा कहें या आलू वाले चिप्स कहें, ये बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, छोटे बड़े सभी को बहुत पसंद होते हैं। आप इसे ज़रूर रमज़ान में ट्राई करिएगा। भाई जो है ना, हया को लेके गया था क्लिनिक डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है, इंजेक्शन भी दे दिया था, लेकिन जो है ना वहाँ नर्स नहीं थी। हया ने कहा मुझे घर पे ही इंजेक्शन लगवाना है। तो मेरे भाई ने भी ये काम किया है ना, तो उसे अच्छे से इंजेक्शन लगाना आता है। तो भाई ने इंजेक्शन लगा दिया था फिर घर आकर ही। और अब मैं किचन में आ चुकी हूँ मच्छरबत्ती जलाने के लिए, और मच्छरबत्ती भी ख़त्म हो गई है हमारे घर पर, बस ये लास्ट वाली रह गई थी। तो मैंने सोचा चले इसी को जला देती हूँ। बाकी मैंने भाई से कह दिया था कि बाकी मच्छरबत्ती भी लेके आ जाए, 1 डब्बा लेके। और मच्छरबत्ती के थोड़े से टुकड़े भी पड़े हुए थे, तो 1 टुकड़ा मैंने उठा लिया, इसे भी जला लेती हूँ, इससे भी काम लिया जाए। और इसे मैं रूम में लगा लूँगी। वैसे हमारे रूम में फ़ैन चलता है, तो मच्छरबत्ती की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ जो है ना, बाहर चारपाई पर हया सो रही है, तो मैंने यहीं पर मच्छरबत्ती लगा दी है इस दवाई के खाली वाले बोतल के ऊपर। और हया जो है ना, वो सो गई है, बुखार हो रहा है इसे। फ़ैन की इसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विदाउट फ़ैन ही इसे पसीना आना है। बाकी जो है ना, जोया भी सो गई है। और टाइम मैं दिखा देती हूँ, रात का टाइम है, बेबी ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। मेरी बेबी की भी तबीयत अभी सेट नहीं हुई ना। और सारा घर जो है ना हमारा, बस बिखरा हुआ पड़ा है, क्योंकि तबीयतें ख़राब हो गई है सिस्टर की। अकेले जो है ना काम होता नहीं है, सब मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो अच्छी सी क्लिनिंग करनी है इंशाल्लाह हमने अपने घर की। और अब मैं आ गई हूँ अपनी बेबी का बोतल लेके इसे वॉश करने के लिए। तो मैंने सोचा बेबी को पहले जो है ना मैगी खिला देती हूँ, उसके बाद ही दूध दूंगी, क्योंकि बेबी ने कुछ भी नहीं खाया था, और जब कुछ खाएगी नहीं तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना। तो मैगी जो है ना बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, और अभी तो तबीयत भी ख़राब है, रोटी वो खाती नहीं है, तो जल्दी से मैं इसे मैगी बना के दे देती हूँ। और हमारे घर पे ऐसे ही होता है, अगर एक बंदे की तबीयत ख़राब होना, तो फिर दूसरे बंदे की उसके साथ खामखा में तबीयत ख़राब हो जाती है। बारी बारी करके सभी की तबीयतें ख़राब होती हैं। हालांकि हम लोग जो है ना
अगर हमारे घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही होती है तो हम गिलास अलग कर देते ताकि जरासीम ना लगे ना। उसके बावजूद इतना एहतियात करने के बावजूद भी एक के बाद जो है ना दूसरा जो है ना बीमार होना शुरू हो जाता है। तो बस अल्लाह पाक खैर करे। यहाँ पे मैंने बेबी को जो है ना मैगी खिला दी, लाइट ऑफ कर दी और बस अब हम सोने लगे हैं। और जाके जो है ना मैं ये बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, हाथ के हाथ ही वैसे ही गंदा पड़े रहेगा तो मैंने इसी में बना ली थी। और जो है ना फिर मैंने दूसरे प्लेट में भी मैगी नहीं निकाली ताकि दूसरा प्लेट गंदा ना हो। तो वॉश हो गया है मेरा बर्तन, नाइट में जो है ना अब सोने का टाइम है। तो गुड नाइट, अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से सुबह। गुड मॉर्निंग। तो जी यहाँ मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और जोया जो है ना वो चादरें और तुलाइयाँ समेट रही हैं। बेबी भी मेरी उठ चुकी है और मैं फ्रेश हो जाती हूँ। फ्रेश होने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे किचन में। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और आप लोग देख रहे होंगे कि आज फिर जो है ना मैंने आलू उठा लिए फ्राइज बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास किचन में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो एक अंडा बनाना या तो फ्राइज बनाना जब सालन नहीं होता। तो आज भी सालन नहीं है तो मैं फ्राइज बना रही हूँ और मेरी बेबी को भी फ्राइज पसंद है ना, तो इस वजह से फिर मैं फ्राइज ही बना लेती हूँ ज्यादातर। यहाँ पे फिर डेली की तरह वैसी ही जैसे पहले बनाती हूँ फ्राइज की रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ। खैर आप लोग को बनाने आते ही होंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके साथ शेयर भी करूँ। तो यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हैं कि फ्राइज़ को मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई हो चुके हैं मेरे फ्राइज़ अच्छे से, इससे ज़्यादा कलर नहीं देना, ये थोड़े सॉफ्ट और हल्के से क्रंची है तो मैंने इसे जो है ना रोटी के साथ खाना, इसलिए ज़्यादा फ्राई नहीं करना, कड़क नहीं करना। और बासी चाय मैंने ले ली और इसको मैंने थोड़ा कम कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा दूध शामिल किया, थोड़ी सी चीनी भी शामिल की, अच्छे से बॉयल दिया और इसे मैं अब निकाल देती हूँ कप में। तो आज जो है ना मेरे साथ मेरी बेबी ब्रेकफास्ट करेगी। काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं और मेरी बेबी एक साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं, बाकी जो है ना सभी जो है ना मुझसे पहले ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सुबह के टाइम में। तो जो सालन बचता है तो वो लोग ही खा लेते हैं, मेरे लिए नहीं बचता, इसी वजह से मैं आलू या तो फिर एग बना लेती हूँ। तो यहाँ खैर मैं जो है ना ब्रेड और साथ में चाय लेकर आई थी, ये दोनों ही मेरी बेबी ने नहीं खाए, सिर्फ फ्राइज़ ही खा लिए थे। और मैंने भी जो है ना नान के साथ थोड़े से फ्राइज़ खा लिए थे और मज़ेदार सी जो चाय मैंने बनाई है तो चाय पी ली थी। तो ये है मेरी सिंपल सी ब्रेकफास्ट रूटीन। तो जी मैं अपनी सिलाई मशीन को लेके आ चुकी हूँ अपने रूम में। पहले जो है ना ये मशीन हमारे फ्रिज वाले रूम में थी जहाँ हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अब मैं इसे उठा के लाई हूँ इस रूम में और यहाँ पे अब मैं इसे सेट करने लगी हूँ ताकि जो है ना मेरी अम्मी बेडशीट जो हम लेकर आए हैं उनकी स्टिचिंग कर सके ना। बाद में फिर बैठ के मैंने सबके कपड़े स्टिच करने हैं और फिर टाइम नहीं होगा मेरे पास कि मैं जो है ना अम्मी को फिर सिलाई मशीन दे सकूं, इसीलिए मैंने अम्मी से कहा पहले जो है ना आपने बेडशीट की अच्छी से सिलाई कर देनी है, एक ही दिन का काम है जो हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं बैठ के सबके कपड़े स्टिच करूंगी इंशाल्लाह और आप लोग के साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी। भाई का ड्रेस मैंने यहाँ ले लिया है आयरन करने के लिए। तो मेरे भाई जो है ना कमीज शलवार पहनते हैं और डेली ही चेंज करते हैं, क्योंकि काम करने के बाद भाई आते हैं शावर लेते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, इस वजह से भाई को डेली ड्रेस चेंज करना पड़ता है। और अब इसके बाद मैं अपना वाला ड्रेस भी उठाऊंगी और इसके बाद आयरन करूंगी। तो मैं बाद में शावर लूंगी, लेकिन अभी जो है ना मैंने सोचा आयरन मैंने उठा ही लिया है तो दोनों सूट आयरन कर देती हूँ। अब मैं जाऊंगी किचन में आलू बिरयानी बनाने के लिए, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं किचन में। मैं एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल का और यहाँ मैंने लिए 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर दिया है और इसे मैं शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल में। और प्याज को मैं फ्राई करूँगी, इसका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक इसे मैं फ्राई करूँगी। प्याज जब गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तो इसमें हमने शामिल करना है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो कि है 2 टीस्पून। और अब मैं इसे 1 मिनट तक फ्राई करूँगी, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 1 मिनट ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो जी 1 मिनट यहाँ हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू, 4 अदद आलू मैंने लिए जिसका मैंने छिलका उतार दिया है और मीडियम साइज़ में मैंने इसे कट कर दिया है, इसे मैंने शामिल कर दिया है प्याज में। और आलू को मैं तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि आलू का कच्चापन दूर हो जाए।
तो जी 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने लिए 2 बड़े अदद के टमाटर, जिसे मैंने गोलाई शेप में बारीक कट कर दिया। इसे मैंने आलू के साथ शामिल कर दिया है। अब इसे मैं करूँगी थोड़ा सा मिक्स। तो जी ये मिक्स हो चुका है। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, इसे मैंने शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसे भी मैं शामिल कर दूँगी। धनिया पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। तो जी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबित इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल कर दूँगी, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नमक 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ इस सालन में। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मैं भून लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए, और जो टमाटर हैं हमारे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और आलू भी हमारे अच्छे से कुक हो जाए। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 गिलास पानी का। तो पहले अच्छे से हमने मसालों को भून लेना है, उसके बाद ही हम पानी शामिल करेंगे, और इससे हमारे जो आलू है वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे जो आलू है अच्छे से कुक हो चुके हैं, और अब मैं इसमें मसाला शामिल कर रही हूँ। बिरयानी मसाला है ये, रेडीमेड पैकेट है, तो इसे मैं शामिल कर रही हूँ इसमें, और सबसे लास्ट में ही इसको शामिल करना है। तो अब मैं इसे पाँच मिनट मज़ीद और पकाऊंगी ताकि हमारा जो बिरयानी मसाला है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। और 4 अदद मैंने इसमें बड़े साइज़ की हरी मिर्ची भी शामिल कर दी है। ढक्कन से कवर कर दूंगी मैं इसे 5 मिनट तक। तो जी 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया हमारे सालन ने, तो इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने आधी देर की चावल बॉयल करने के लिए पानी लिया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक का, साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल का इसमें शामिल कर दूंगी। तो बस यही चीज़ें जाएंगी। अच्छा सब बॉयल आने तक के लिए इसे मैं छोड़ देती हूँ। यह मैंने लिए है कायनात बासमती चावल, जिसे मैंने पानी में 1 घंटा भिगो के रख दिया था। अच्छे से वॉश करने के बाद अब मैं इसे इस बॉयल हुए पानी में शामिल कर दूँगी। ये 1 kg चावल है, और पानी जो है ना बिल्कुल मैंने परफेक्ट लिया है। जितने चावल थे उसको डबल करके हमने पानी का लिया है बोल। तो अब इसे अच्छे से कुक हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चावल जी हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। और अब मैं इसे छन्नी में डाल के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दूँगी, और चावल को मैं साइड पर रख दूँगी। तो जी मैंने यहाँ देश की लिए, इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी हमारे जो बिरयानी का सालन है, इसका मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है इस देश की में, और अब मैं इसे फैला लूँगी। तो जी यहाँ पे अब मैं इसमें थोड़ा सा सालन भी शामिल कर देती हूँ। पहले सालन की तेल हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो चावल है वो चिपके ना देचकी पे। तो पहली तेल मैं थोड़ी सी सालन की डाल देती हूँ। तो जी मैंने बॉईल किए हुए जो चावल लिए हैं इसमें मैं 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम, अगर 2 चुटकी कहेंगे आप तो ये सही रहेगा, जर्दे का शामिल कर देती हूँ, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये मिक्स हो चुके हैं। तो यह मैंने सालन की तेल लगाने के बाद अब मैं इसमें लगा रही हूँ चावलों की तेल। तो इसी तरह करके हमने तमाम तेल लगा लेनी है। एक सालन की तेल लगाएंगे और एक चावलों की तेल लगाएंगे। तो जितनी भी तेल बनती है सारी की सारी तेल हमने इसी तरह करके लगा लेनी है। तो सबसे शुरू में सालन की तेल लगेगी और सबसे आखिर में भी सालन की ही तेल लगेगी। तो बहुत ही आसान सी बिरयानी है ये, और बहुत झटपट में बनके तैयार हो जाती है। जब भी आपका दिल चाहे तो आप इसे बना सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है, और जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो जी यहाँ पे मैंने ढक्कन को कर दिया है अखबार से कवर, और इसे मैंने रख दिया है बिरयानी के ऊपर। तो अब मैं इस पर एक कप भी रख देती हूँ ताकि अच्छे से हमारी बिरयानी दम ले ले। 5 मिनट मैंने फ्लेम को ऑन रखा, 5 मिनट बाद जो है ना मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। लो मीडियम फ्लेम पे रखा था, और 10 मिनट ही मैंने दम पे रख दी थी बिरयानी। तो यहाँ देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं दम पे बिरयानी को रखे हुए। कितने खिले खिले खूबसूरत चावल हमारे डन हो चुके हैं, और ये बिरयानी बहुत ही आसान सी है। और अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको।
अगर आप न्यू बिरयानी सीखने वाले हैं तो आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्विकली बन के तैयार हो जाएगी आपकी ये बिरयानी। देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है ये, और वाकई खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थी। तो जब कुछ भी नहीं होता तो ये झटपट सी आलू वाली बिरयानी मैं बना लेती हूँ, जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू भी घर पे था और मसाला भी था और राइस भी थे, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। अच्छा जी, तो यहाँ हो जाता है शाम का टाइम, और शाम के टाइम जो है ना, आप सभी को पता है चाय के बिना मैं नहीं रह सकती। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया, पानी ले लिया, दोनों को मिक्स किया। अब इसके बाद जो है ना, मैं इसमें टपाल दानेदार की पत्ती शामिल कर देती हूँ और मज़ेदार सी चाय बनाने के लिए ना। और थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया अपनी बेबी के लिए, क्योंकि जब दूध नहीं होता फिर वो बहुत रोती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है। और चाय जो है, और ऐसा है ना कि चाय के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गैस भी माशाल्लाह से अच्छी आती है और मेरी मज़ेदार सी चाय बन जाती है। शाम की चाय के साथ जो है ना, अब्बू आज लेके आए अपने लिए केक, अम्मी के लिए ज़ीरा प्लस बिस्किट और सुपर बिस्किट लेकर आए। सुपर बिस्किट जो है ना, आजकल मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं ना, खाए नहीं जाते। कल वाले बिस्किट के पैक भी पड़े हुए थे, इसलिए आज जो है ना हमने सिर्फ दो ही पैक मंगवाए थे बिस्किट के, दो जो है ना कल वाले भी पड़े थे। तो खैर, यहाँ पे चाय हमारी डन हो गई है। बिना चीनी वाली चाय जो है ना, अम्मी अब्बू दोनों के लिए एक एक कप निकाल देती हूँ। और वैसे भी अम्मी अब्बू दोनों जो है ना, बिस्किट खाते या केक खाते वो ऑलरेडी मीठे होते हैं, तो चाय में चीनी की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे जो है ना, दो कप रह गई है चाय, इसमें मैंने चीनी शामिल कर दी है। एक कप जो है ना मैं अपने लिए निकाल देती हूँ और दूसरा कप मैं हया के लिए चाय का निकाल देती हूँ। तो चाय हमारी डन हो गई है, मज़ेदार सी चाय, और अब हम इंजॉय करेंगे अपनी शाम की चाय को। अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप लोग भी आ सकते हैं और मेरे साथ जो है ना चाय पी सकते हैं। अब्बू सो रहे थे, अब्बू को मैंने जगाया कि अब्बू उठ जाए, मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ। तो चलिए, आज का व्लॉग का एंड भी इसी चाय के साथ करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। कल मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।